नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फैंटेसी एक्सपर्ट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान के बीच में जो सेकंड T20 मैच खेलने जाने वाला है PSL में, उसकी अंडर 11 टीम प्लेइंग 11 और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर एक मैच की ड्रीम इलेवन टीम प्लेइंग 11 और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल सके। दोस्तों, कराची किंग की बात की जाए तो यहाँ से कॉलिंग इंग्राम ओपनिंग करने वाले हैं, जो कि पहुँच चुके हैं दुबई में और खेलने के लिए तैयार है। उसके बाद बाबर आजम उनके साथ बैटिंग करने के लिए आएंगे। आप सबको पता है कि बाबर आजम और कॉलिंग इंग्राम काफ़ी अच्छे प्लेयर है T20 के। उसके बाद मोहम्मद रिजवान आएंगे, जो कि हाल ही में पाकिस्तान T20 में इंटरनेशनल में डेब्यू हुआ है इनका, और काफ़ी अच्छे प्लेयर है। डोमेस्टिक में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इतना कुछ अच्छा नहीं रहा था परफॉर्मेंस, लेकिन अच्छे प्लेयर है विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास ऑप्शन के लिए। रवि वापरा आएंगे, उसके बाद ये 3 से 4 ओवर बॉलिंग भी कर सकते हैं और 3 डाउन बैटिंग करने के लिए आएंगे। अच्छे प्लेयर हैं, आप चाहे तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन की भूमिका भी दे सकते हो। सिकंदर रजा आएंगे, ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर है, स्पिन बॉलिंग करते हैं, 1-2 ओवर बॉलिंग भी डाल सकते हैं। उसके बाद लिव लिविंगस्टोन आएंगे, इनके खेलने के चांस थोड़े से कम लग रहे हैं, लेकिन आप चाहे तो इनको ग्रैंड लीग के टीम में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था। पिछले कुछ T20 जो मैच हुए थे उनमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसका इनका रहा था उनकी। उसके बाद आएंगे आमिर अहमद, जो कि काफ़ी अच्छे बॉलर है पाकिस्तान के। सोहेल खान आएंगे, मोहम्मद आमिर आएंगे, उस्मान खान आएंगे, इमाद वसीम, जो कि स्पिन बॉलिंग डालते हैं और काफ़ी अच्छे बॉलर है। उसके बाद मुल्तान सुल्तान की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े नाम है। जोनाथन चार्ल्स ओपनिंग करेंगे शयन मकसूद के साथ, दोनों काफ़ी अच्छे प्लेयर है। शयन मकसूद का परफॉर्मेंस डोमेस्टिक लेवल पे काफ़ी अच्छा रहता है, तो आप चाहे तो इनको टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद लॉरी वंस आएंगे, आप लॉरी वंस के बारे में सब जानते हो, आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन की भूमिका भी देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी कंसिस्टेंट प्लेयर है। और उसके बाद शोएब मलिक आएंगे, टॉम मोरस विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेंगे। उसके बाद एंड्रे रसेल आएंगे, जो कि अपने 4 ओवर बॉलिंग करेंगे और बैटिंग में भी काफ़ी अच्छे और हार हिटिंग बैट्समैन है। शकील अनवर आएंगे, उसके बाद शाहिद अफरीदी आएंगे, यम अब्बास, मोहम्मद इरफान और जुनेद खान। दोस्तों, ये हो सकती है मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11। दोस्तों, प्लेइंग 11 की बात हो गई, अब देख लेते ड्रीम इलेवन टीम क्या हो सकती है इस मैच के लिए। दोस्तों, ड्रीम इलेवन टीम की बात करने की तो ड्रीम इलेवन टीम मैंने आपके लिए बना के रखी है, तो चलिए देख लेते हैं इस मैच के लिए क्या हो सकती है ड्रीम इलेवन टीम। दोस्तों, विकेट कीपिंग सेक्शन की बात की जाए तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो है टॉम मुरे और दूसरे मोहम्मद रिजवान, लेकिन मैं मोहम्मद रिजवान को लेना पसंद करूंगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा डोमेस्टिक लेवल रहा था, सीज़न रहा था इनका, और काफ़ी अच्छे प्लेयर है। आप चाहे तो ग्रैंड लीग के टीम में टॉम मुरे को ट्राई कर सकते हो, जो कि 3 डाउन बैटिंग करने आएंगे और मोहम्मद रिजवान 1 डाउन बैटिंग करने आएंगे। बैटिंग सेक्शन की बात की जाए तो बाबर आजम यहाँ से मस्ट पिक रहेंगे हमारे लिए। क्वालिन मनरो नहीं खेलेंगे, क्योंकि जो अभी न्यूजीलैंड का सुपर स्मैश लीग चल रहा है उनमें ये खेल रहे हैं, तो इसलिए ये इस मैच को अवॉइड करेंगे। शोएब मलिक खेलने वाले, आप इनको ज़रूरी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद क्वालिन इंग्राम को ट्राई करूंगा मैं अपने टीम में। उसके बाद जेम्स मिस नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये भी बिग बैश लीग खेल रहे हैं। बेन डंग नहीं खेलेंगे। उसके बाद जोनाथन चार्ल्स पहुँच गए हैं, इनको भी आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद जॉय डेनली नहीं खेलेंगे, ए जरा नहीं खेलेंगे, ए इमरान नहीं खेलेंगे। शान मकसूद को आप ट्राई कर सकते हो, लॉरी उमास को ट्राई कर सकते हो। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन की बात की जाए तो ऑलराउंडर सेक्शन में एंड्रे रसेल मस्ट पिक रहेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे बॉलर बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी कर लेते हैं। शाहिद आफरीदी काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, इनकी बैटिंग अच्छी नहीं रहती लेकिन बॉलिंग काफ़ी कसी हुई करते हैं, इसलिए और एक्सपीरियंस प्लेयर है, इसलिए मैं इनके साथ जाना पसंद करूंगा। आप चाहे तो यहाँ से शाहिद आफरीदी को निकाल के यहाँ पे शोएब मलिक ले सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छे बैट्समैन है, लेकिन मैं शाहिद आफरीदी के साथ जाना पसंद करूँगा। इमाद वसीम को लेना मैं पसंद करूँगा, ये भी काफ़ी अच्छे बॉलर है,
और कभी कभी हार्ड हिटिंग के लिए इनको प्रमोट भी किया जा सकता है। रवि ऊपर को आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग के टीम में, लेकिन मैं यहाँ से शाहिद आफरीदी के साथ जाना पसंद करूँगा। आप चाहे तो शाहिद आफरीदी को निकाल के यहाँ से रवि ऊपर को ले सकते हो। डेनियल किचन भी यहाँ पे अवेलेबल है इस मैच के लिए, आप चाहे तो इनको भी ट्राई कर सकते हो। सिकंदर राजा अवेलेबल है, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। ग्रैंड लीग पे टीम में लिविंगस्टोन को ट्राई कर सकते हो, इनके थोड़े से चांसेस है आज खेलने के, लेकिन स्मॉल लीग के टीम में मैं सजेशन नहीं देता इनको। बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो तीन बॉलर के साथ जाना पसंद करूंगा। मोहम्मद आमिर यहाँ से मेरे लिए मस्ट पिक रहेंगी, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे और पीएसएल में इनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहता है। मोहम्मद आमिर को लेना पसंद करूंगा, इनका परफॉर्मेंस भी T20 में काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी अच्छे प्लेयर है। उस्मान खान को लेना पसंद करूंगा। यहाँ से आपके पास ऑप्शन में जो बचता है वो सोहेल खान को आप ट्राई कर सकते हो, या आप यहाँ पे आप नीचे जाओगे जुनेद खान को आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे मोहम्मद अब्बास को ट्राई कर सकते हो। क्यूस अहमद अभी तक बिग बैश खेल रहे इसलिए यह नहीं खेलेंगे। क्रिस ग्रीन भी नहीं खेलेंगे यहाँ पे। और कोई अच्छे ऑप्शन नहीं है दोस्तों। ये तो हो गया हमारे ड्रीम इलेवन टीम। यहाँ से कैप्टन मैंने यहाँ से बाबर आजम को रखा हो और वाइस कैप्टन लॉरी यूएस को रखा हो। आप चाहे तो जोनाथन चार्ल्स को भी वाइस कैप्टन रख सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन मैं लॉरी यूएस के साथ जाना पसंद करूँगा। दोस्तों ये तो हो गया हमारी ड्रीम इलेवन टीम। आशा करता हूँ आपको ड्रीम इलेवन टीम पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आगे वाले हर एक मैच की ड्रीम इलेवन टीम प्लेइंग इलेवन और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल सके और आप अच्छा खासा ड्रीम इलेवन से कुछ अर्निंग कर सको। थैंक यू दोस्तों, बाय, बेस्ट ऑफ लक।